हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी हेलमेट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सेफ्टी हेलमेट का क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सेफ्टी हेलमेट के जो पार्ट्स है उसका नाम क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सेफ्टी हेलमेट को पहनने का क्या पर्पोज है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सेफ्टी हेलमेट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि सेफ्टी हेलमेट का IS कोड और OSHA स्टैंडर्ड क्या है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी हेलमेट का क्या मतलब होता है उसके बारे में। तो सेफ्टी हेलमेट को जो है हार्ड हैट भी कहा जाता है। अब हार्ड हैट जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE का जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है, और इसका जो इस्तेमाल है वो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अगेंस्ट में जो है ये आपके हेड को जो है प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद है कि गिरने के बाद जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर कम करता है, और फिर अदर टाइप्स के जो भी हेड ट्रामा है उससे भी ये हेड को प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपको यहाँ पर ये समझना है कि सेफ्टी हेलमेट जो है ये एक सुरक्षा उपकरण है जिसका हमें साइड पर जो है इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी हेलमेट के जो पार्ट्स है उसके नाम क्या है उसके बारे में। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है ये एक सेफ्टी हेलमेट है, तो इसका जो आउटर पार्ट है उसको शेल कहा जाता है। फिर उसके अंदर में जो है एक हार्नेस आता है जो आपके हेड को इम्पैक्ट जो होने वाला है उससे ये बचाता है, और ये हार्नेस के ऐसे सराउंडिंग में साइड में जो है क्रैडल होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, और इस क्रैडल को सामने में जो कनेक्ट करता है वो होता है स्वीट बैंड, और वैसे ही इसको पीछे में जो कनेक्ट करता है उसको हम हेडबैंड कहते हैं। इस सेफ्टी हेलमेट का जो सामने वाला जो पोर्शन होता है जो कैप की तरह होता है उसे हम पीक कहते हैं। अब ये जो सेफ्टी हेलमेट का जो हार्नेस है उसको जो है चीन स्ट्रैप लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये वाई टाइप चीन स्ट्रैप है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, और ये जो सेफ्टी हेलमेट का जो हार्नेस है इसको हम पीछे से जो है एडजस्ट कर सकते हैं तो उसे नेप स्ट्रैप कहा जाता है। और इस सेफ्टी हेलमेट का सबसे पीछे वाला जो आउटर पार्ट है उसे हम ब्रिम कहते हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये सेफ्टी हेलमेट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका जो नाम है आपको पता होना काफी जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो सेफ्टी हेलमेट है इसको पहनने का क्या पर्पोज है उसके बारे में। तो सेफ्टी हेलमेट जो है वो साइड के ऊपर पहनना ये काफी इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एज पर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है PPE को पहनना ये मैंडेटरी होता है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर आपको जो है हेड इंजुरी होने के जो है वहां पर रिस्क है, वहां पर चांस है। और ये जो सेफ्टी हेलमेट है ये सभी इम्प्लॉयज ने पहनना मैंडेटरी होता है। सेफ्टी हेलमेट को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है वर्कर्स को प्रोवाइड कर सके, और वो भी जो भी हेवी ऑब्जेक्ट होता है जो ऊपर से हाइट से अगर गिरता है तो वर्कर ने अगर ये हेलमेट अगर पहन लिया है तो उसके अगेंस्ट में जो है वहां पर अगर उसका स्ट्रांग इम्पैक्ट अगर उसके ऊपर अगर होता है हेड के ऊपर तो वो वहां पर उसको बचा सके। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजुरी से भी जो है ये यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ पेनिस्ट्रेशन जो इंजुरी है उसके अगेंस्ट में भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए सेफ्टी हेलमेट पहनने का ये यहाँ पर मेन पर्पोज होता है। चलिए बात करते हैं कि सेफ्टी हेलमेट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में। तो जो भी वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो तो वहां पर एडिक्वेट प्रोटेक्शन जो है वो मिलना हर एक वर्कर का जो है यहाँ पर राइट होता है, इसलिए एम्प्लॉयर ने हर एक एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी हेलमेट के साथ बेनिफिट जो है वो जानने वाले है, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि सेफ्टी हेलमेट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है वर्क प्लेस में पहनना। तो इसमें सबसे पहला है कि ये हेड इंजुरी के अगेंस्ट में जो है ये प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके बाद है कि ये स्लिप हो या फिर फॉल्स हो उसके अगेंस्ट में भी आपको प्रोटेक्शन देता है, फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट में जो भी सर्वाइवल के यहाँ पर चांसेस है उसको भी ये यहाँ पर बढ़ाता है, फिर उसके बाद है कि इम्प्लॉय की जो विजिबिलिटी है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है, फिर उसके बाद है कि कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, फिर उसके बाद है कि सन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में भी ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करता है, और फिर उसके बाद है कि एडुकेट जो वेंटिलेशन है वो भी इसके जरिए जो है आपको प्रोवाइड होता है। तो ये यहाँ पर 7 बेनिफिट्स होते हैं सेफ्टी हेलमेट के। तो इसलिए सेफ्टी हेलमेट जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए जानते हैं कि सेफ्टी हेलमेट का IS कोड और OSHA स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में। तो सेफ्टी हेलमेट का IS कोड है 2925-1984 जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में।
चलिए अब जानते हैं सेफ्टी हेलमेट के स्टैंडर्ड के बारे में। तो उषा के जो है यहाँ पर दो स्टैंडर्ड है जो रेगुलेट करते हैं सेफ्टी हेलमेट के रिक्वायरमेंट्स को। तो सबसे पहला है 29 CFR 1910.135। तो ये डील करता है कि गवर्नमेंट के जो सेफ्टी हेलमेट जो रिक्वायरमेंट्स है वो जनरल इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स है उनके लिए है। फिर उसके बाद है 29 CFR 1926.100 जो है हेड प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, वो भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन और जो रिनोवेशन वर्कर्स है उनके लिए। तो इस तरीके से सेफ्टी हेलमेट का ये IS कोड और OSHA स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी हेलमेट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।